जिला कुश्ती संघ द्वारा गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले कुश्ती व तैराकी प्रतियोगिता में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। ये जानकारी जिला कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह और वरिष्ठ समाजसेवी अरुणेश शाही ने देते हुए बताया कि गोरखनाथ मंदिर में कुश्ती प्रतियोगिता सुबह 11 बजे प्रारंभ होगी तथा विजय प्रतियोगियों को गोरखपुर केशरी, गोरखपुर कुमार व गोरखपुर अभिमन्यु से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही विजेताओं को नगद पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन दोपहर 3 बजे गोरखनाथ मंदिर परिसर के भीम सरोवर में किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ वर्ग एवं कनिष्ठ वर्ग के प्रतियोगी भाग लेंगे तथा विजय प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया जाएगा। गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और गोरखपुर वीर अभिमन्यु का टाइटल बाउट होता है, जिसमें 50 किलो से 60 किलो वजन के बीच अभिमन्यु के लिए सिलेक्शन है, गोरखपुर कुमार के लिए 60 से 70 किलो के बीच और गोरखपुर केसरी के लिए 70 किलो से ऊपर के जो भी पहलवान होंगे वो इसमें भाग ले सकते हैं। ये परंपरागत कुश्ती है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री गोरखपीठाधीश्वर यहाँ स्वयं रहते हैं और रहेंगे और विजेता पहलवानों को अपने हाथों से पुरस्कृत करेंगे और आशीर्वाद देंगे। इस कुश्ती में चूँकि रेलवे के पहलवान, स्पोर्ट्स कॉलेज के पहलवान, हॉस्टल के पहलवान, ग्रामीण क्षेत्र और बाकी ग्रामीण क्षेत्र के पहलवान रहते हैं, तो ये कुश्ती भले गोरखपुर के नाम से लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती हो जाती है और बहुत ही अच्छा कंपटीशन होता है। ये 15 और 16 अगस्त को होगा। 15 अगस्त को ये 10 बजे से वजन शुरू होगा और 1 बजे से कुश्ती होगी और दूसरे दिन 16 तारीख को 8 या 9 बजे से हम लोग कुश्ती कराएंगे, जिससे 1 बजे तक इसको ख़त्म करें और उसके बाद महाराज जी से पुरस्कार वितरण करेंगे और उसके बाद इसका समापन होगा। गोरखनाथ मंदिर विगत 500 वर्षों से दिव्यनाथ महाराज के बाद प्रबलीन अवैधनाथ जी महाराज, उसके बाद वर्तमान महाराज जी ने इस कुश्ती को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और ये कुश्ती आज जिला कुश्ती संघ और गोरखनाथ मंदिर के तत्वाधान में विगत कई वर्षों से एक शिखर पर पहुंच चुकी है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के पहलवान भी भाग लेते हैं और महाराज जी मुख्यमंत्री जी के इच्छा के अनुरूप सभी ग्रामीण क्षेत्रों के तेज तर्रार नौजुवक जो कुश्ती में ज़्यादा रुचि लेते हैं इसमें भाग लेते हैं और गोरखपीठाधीश्वर उनका लगातार कई वर्षों से उनको प्रोत्साहित करते हुए आ रहे हैं और इस बार का तो औसत और अच्छा है जब महाराज जी स्वयं इसमें हम लोगों का मार्गदर्शन करने, पहलवान लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए स्वयं पधार रहे हैं। ये हम लोग को, पहलवान भाइयों को, नवजुवकों के लिए ये सुनहरा अवसर है अपने प्रदर्शन करने के लिए। तारीख बता दीजिए। 15 तारीख से शुरू होकर कुश्ती 16 को दोपहर 2 बजे तक समाप्त। 15 अगस्त और 16 अगस्त। हाँ जी जी।